अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निवान, आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। तो यार फाइनली आज सैटरडे और कल हमारा क्यू एंड ए का एपिसोड आएगा, कल संडे है। क्योंकि तो आप लोगों का अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो डेफिनेटली नीचे कमेंट कर दीजिएगा और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन को पिक करूँ। और आप लोगों ने अगर पहले से कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप लोग यार क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो होती है उसको लाजमी तौर पर देख लिया करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो थे वो रिपीट हो रहे थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, कुछ एक दो क्वेश्चन हैं जो कि हर वीक के अंदर मुझे पूछे जाते हैं। मुझे लगता है कि आप में से वो लोग वीडियो को देख नहीं रहे होते क्योंकि उन क्वेश्चंस के मैं आंसर ऑलरेडी कर चुका हूं। तो होप कि आप लोगों को समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बात करें आज की पहली अपडेट की जो कि आ रही है हुआवे के रिलेटेड, तो हुआवे का सीन तो आप लोगों को सभी को पता है कि क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली तौर पर काफ़ी ऑफ चल रहा है स्मार्टफोन्स की मार्केट को लेकर। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हुआवे का सिर्फ एक बिज़नेस नहीं है, हुआवे का और भी काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस है जो कि पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व है। हुआवे की काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं। तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बात करिए हुआवे के साथ पाकिस्तान के अंदर कोई टेक्नोलॉजी मीडिया की यूनिवर्सिटी को डेवलप करने के रिलेटेड, जिसके अंदर हुआवे की जितनी भी एक्सपर्टीज़ है उनकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया जाएगा। और इसके अलावा गवर्नमेंट के अंदर जो ई गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट काम कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, उसके अंदर भी हुआवे की एक्सपर्टीज़ को हासिल किया जाएगा। और ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट वगैरह का, उसको लेके हुआवे की जो खिदमत आप लोग कह लो उसको हासिल किया जाएगा। और हुआवे काफ़ी हद तक पाकिस्तान के अंदर काम भी कर रहा है नेटवर्क्स वगैरह को लेके। तो लेट्स सी के फ्यूचर के अंदर हुआवे के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हमें पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलते हैं। बात करें अगली अपडेट की जो कि आ रही है ओप्पो के रिलेटेड, तो ओप्पो रीनो 6 सीरीज को एक्सपेक्टेडली अकॉर्डिंग टू लीक्स 22 मई को लॉन्च करने वाला है चाइना के अंदर। लेकिन वो वाला जो इवेंट होगा वो सिर्फ चाइना के अंदर डेडिकेटेडली होगा, जो ग्लोबल इवेंट होगा वो बाद में होगा। और एक चीज़ सामने आ रही है कि जो ग्लोबल लॉन्च इवेंट होगा वो भी चाइना के इवेंट से इतना खास ज़्यादा दूर नहीं होगा, क्योंकि मलेशिया के अंदर कुछ जो उनकी सर्टिफिकेशन है वहाँ पर हुआवे रीनो, हुआवे कहाँ से बीच में आ गया, जो ओप्पो रीनो है ना वो लिस्ट होना स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो इट मीन्स कि आप लोगों को बहुत जल्द, अगर मई के अंदर नहीं तो मे बी अगले मंथ के अंदर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून के अंदर देखने को मिल सकता है। मेरे मंथ जो होते ना वो कैलकुलेशन के अंदर नहीं आ रहे थे। तो अगर आप लोग वेट करें ओप्पो रीनो 6 सीरीज़ का तो आप लोग वेट कर सकते हो डेफिनेटली। अभी तक के लिए जो अपडेट्स आ रही हैं, जो प्रोसेसर्स हैं उनको बताया जा रहा है कि आप लोगों को 3 डिफरेंट मॉडल्स देखने को मिलेंगे विद 3 डिफरेंट प्रोसेसर। जो हाईएस्ट होगा उसके अंदर स्नैपड्रैगन ट्रिपलेट हो सकता है, उसके अलावा डायमेंसिटी 1200 का प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 860 या फिर 70 आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग ओप्पो रीनो 5 4 या फिर कोई भी यूज़ कर रहे हो, अगर आप लोग 6 का वेट कर रहे हो तो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि जो इंतज़ार है मे भी आप लोगों को इतना खास ज़्यादा करने को ना मिले। अगली जो अपडेट आ रही है ये भी ओप्पो के रिलेटेड है, लेकिन ये ओप्पो की सब ब्रांड रियलमी के रिलेटेड है और रियलमी की भी एक सब कैटेगरी नार्ज़ो के रिलेटेड है। नार्ज़ो का तो आप लोगों को ऑलरेडी इंट्रोडक्शन हो चुका हुआ पाकिस्तान के अंदर, जो नार्ज़ो 30A आया था उसने काफ़ी ज़्यादा धूम वगैरह मचा दी थी, लेकिन बाद में लोगों को वो मिला नहीं। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मैं आप लोगों से माजरत करता हूँ, क्योंकि आप लोगों की तरफ से मेरे लिए भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि भाई नार्ज़ो 30A की अनबॉक्सिंग और रिव्यू तो कर दिया लेकिन वो मिलेगा कहाँ से, तो मुझे भी नहीं पता वो कहाँ से मिलेगा। लेकिन आप लोगों के लिए उम्मीद की किरण ये है कि अब आप लोग पहले समझ लो कि जो नार्ज़ो 30 सीरीज़ है उसका स्टेटस क्या चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। तो उसके दो वेरिएंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, एक था नार्ज़ो 30A प्रो 5G वेरिएंट, उसके अलावा एक वो वाला वेरिएंट था जो कि पाकिस्तान के अंदर आया था नार्ज़ो 30A सिंपल। अभी जो नार्ज़ो सिंपल 30 है ना वो बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, वो काफ़ी जगहों के ऊपर लिस्ट हो रहा है अराउंड द वर्ल्ड, मतलब मलेशिया के अंदर और इंडोनेशिया वगैरह के अंदर। उसके अंदर ये चीज़ कही जा रही है कि आप लोगों को मीडिया टेक का हीलो G95 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वाला मॉडल जो है वो गीक बेंच के ऊपर लिस्ट हुआ है। एंड्रॉयड 11 कहा जा रहा है, 6GB की रैम होगी और इसके अंदर आप लोगों को 4G और 3G वाले वेरिएंट्स तो देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं कि ये कब पाकिस्तान के अंदर आता है और इसकी प्राइस क्या उतनी ही एग्रेसिव होती है जितनी हमें नार्ज़ो 30A की देखने को मिली थी। अगर ये G95 के साथ आता है तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि उसी, अगर हम लोग फुट स्टेप्स को फॉलो करता हुआ देखते हैं रियलमी को, तो ये अंडर 30,000 आप लोगों को मे बी पाकिस्तान की मार्केट के अंदर लॉन्च होता हुआ नज़र आ जाए। तो आप लोगों को अगर नार्ज़ो 30A नहीं मिला तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, जब नार्ज़ो 30 सिंपल आएगा तो आप लोग जल्दी जल्दी उसकी जो बुकिंग है वो करवा लीजिएगा, तो मे बी आप लोगों को मार्केट के अंदर देखने को मिल जाए। मार्केट के अंदर तो आता नहीं है क्योंकि अभी जो सीन चल रहा है नार्ज़ो 30A का, दुकानों वालों ने काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स को मंगवाया, उसके बाद वो उसको ओवर प्राइस करके रमज़ान के अंदर सेल कर रहे हैं, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा गुनाह मिलेगा उनको। बात करें अगली अपडेट की जो कि आ रही है व्हाट्सएप के रिलेटेड, तो 15 मई को भाई व्हाट्सएप की जो डेडलाइन है वो ख़त्म हो रही है। अब आप लोगों के माइंड के अंदर ये चीज़ आ रही होगी कि
ऐसे लोग जिनकी जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे मेरी फ्रेंड लिस्ट के अंदर या फिर मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि व्हाट्सएप के ऊपर मौजूद ना हो, जिसने इस चीज़ को एक्सेप्ट ना किया हो। लेकिन जो डेडलाइन है वो आ चुकी हुई है 15th of May के बाद क्या होगा, लोगों के माइंड के अंदर यही क्वेश्चन चल रहे हैं। तो इसका जो ऑफिशियल आंसर है व्हाट्सएप की तरफ से वो सामने आ चुका हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाट्सएप ने कोई टाइम नहीं बताया, ये सिर्फ उन्होंने ऐसी बात की है कि जब आप लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो व्हाट्सएप आपको नोटिफिकेशन रिमाइंडर देता रहेगा कि आप लोग प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद क्या होगा कि आपको जो चैट लिस्ट होती है ना, मतलब कि मैसेजेस की जो चैट्स होती हैं, वो नज़र आना बंद हो जाएंगी। लेकिन अगर आप लोगों को किसी का मैसेज आता है, आप लोग उस नोटिफिकेशन के ऊपर जब क्लिक करोगे तो आप लोग उसका रिप्लाई कर सकोगे। इसके अलावा आप लोगों को जो कॉल्स होती हैं और जो दूसरी वीडियो ऑडियो कॉल्स वो आती रहेंगी, आप लोग उनका जवाब भी देते रहोगे। लेकिन कुछ वीक्स के बाद वो जो कॉल्स हैं और जो एसएमएस आपको आते हैं जिनका आप लोग नोटिफिकेशन के थ्रू जवाब दे रहे होते होगे, वो भी आना बंद हो जाएंगी। मतलब कि आपके लिए व्हाट्सएप जो है यूजलेस हो जाएगा जब तक आप लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि व्हाट्सएप जो है ना अकाउंट्स को डिलीट बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग एक्सेप्ट उसको नहीं भी करते तो आप लोगों को फिर भी जो शक्ल है व्हाट्सएप की वो नज़र आती रहेगी। मतलब कि व्हाट्सएप आपको टीज़ करता रहेगा कि भाई अगर आपने मुझे यूज़ करना है तो प्राइवेसी पॉलिसी को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो लेट्स सी आप लोग क्या करते हो। मैंने तो उसी वक्त एक्सेप्ट कर लिया था, मुझे तो पता है कि अब हम लोग यहाँ पर फंस चुके हुए हैं। जितना भी डाटा हमारा लीक होना था वो तो ऑलरेडी हो चुका हुआ है, तो देर इज़ नो गोइंग बैक। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि कोई ऐसा बंदा मर्दे मुजाहिद है जिसने अभी तक व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया। बात करें अगली अपडेट की, जो कि यार ये क्वालकॉम के रिलेटेड, ये भी अगेन काफ़ी हद तक व्हाट्सएप से मिलती जुलती अपडेट ही है। अभी रिसेंटली क्वालकॉम की जो चिपसेट्स हैं उनके अंदर एक मसला, एक फ्लॉ पाया गया, जिसके अंदर ये जो एक्सपर्ट्स हम बता रहे हैं कि उन स्मार्टफोन्स के अंदर जिनके अंदर ये फ्लॉ पाया जा रहा है व्हाट्सएप के दर से बीच में आ रहा है, एक तो गड़बड़ बहुत होती है न्यूज़, वो वाले स्मार्टफोन्स जिनके अंदर स्नैपड्रैगन की ये वाली चिप्स लगी हुई हैं, अगर कोई हैकर चाहे तो एक सिंपल मैसेज करके उस फ़ोन की जो कॉल्स होती हैं उनको रिकॉर्ड कर सकता है, उनको सुन सकता है। उसके अलावा उसके जो मैसेज होंगे उनको भी देख सकता है। अब ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपके फ़ोन के अंदर चिप्स की वजह से, एक मैसेज की वजह से आपका जो फ़ोन है वो हैक हो सकता है। और ये वाला जो मसला है ये आज से नहीं है, ये उस वक्त से आ रहा है जब से 2G 3G चिप्स बन रही थी और आजकल 5G चिप्स आ रही हैं। और क्वालकॉम के इसके बारे में ये कहना है कि हम लोग ने 2020 के अंदर एक अपडेट के थ्रू इसको फिक्स कर दिया था अपेरेंटली, लेकिन अभी तक ये वाली जो चीज़ें हैं ये फिक्स नहीं हुई। और मे बी गूगल बहुत जल्द एक सिक्योरिटी पैच आप लोगों को दे जिसके अंदर गूगल भी ट्राई करेगा कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो मसला है वो हल हो सके, क्योंकि आईफोन के अंदर तो चिप्स लगती नहीं है, स्नैपड्रैगन के सारे एंड्रॉयड के फ़ोन होते हैं, तो यहाँ पर जो एंड्रॉयड है गूगल है उसका भी फ़र्ज़ बनता है। तो लेट्स सी ये लोग क्या करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर ये कही जा रही है कि भाई आपके फ़ोन के अंदर जो भी लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है उसको आप लोग लाजमी तौर पर इंस्टॉल कर लें। वैसे मुझे लगता है कि हमारी कॉल्स या फिर हमारे एसएमएस सुन के किसी ने क्या करना है, मतलब क्या मेरे क्या मैसेज, जो अगर मैं देखता हूँ ना अपने व्हाट्सएप वाले मैसेज को छोड़ के जो नॉर्मल फ़ोन वाले मैसेज होते हैं उसके अंदर एड्स आ रही होती हैं, ये वाली ब्रांड की सेल लगी है, ये वाली ब्रांड की सेल लगी है। अभी मुझे आज मैसेज आ रहे थे कि आप लोगों ने पता नहीं वो क्या टैंकी साफ़ करवानी है पानी वाली, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। मतलब अजीब मार्केटिंग चल रही होती है थर्ड क्लास किस्म की। इसके बाद अगली अपडेट की बात करें जो कि यार ये MiUi 13 के रिलेटेड, तो यार आजकल इंटरनेट के ऊपर एक लिस्ट सर्कुलेट कर रही है जो कि कही जा रही है कि ये वाली वो डिवाइसेज हैं जिनके अंदर आप लोगों को MiUi 13 की अपडेट देखने को मिलेगी, मतलब कि ये वाली डिवाइसेज MiUi 13 को सपोर्ट करेंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस लिस्ट का किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है भाई रियलिटी के साथ। Xiaomi ने इस लिस्ट को कन्फर्म नहीं किया, ये ऐसे ही सर्कुलेट कर रही है, किसी ने ऐसे ही फोन्स वगैरह को लिख दिया हुआ है। तो अगर आप लोग इस लिस्ट के अंदर देखकर खुश हो रहे हो कि आपकी डिवाइस है या फिर नहीं है या फिर आप लोग परेशान हो रहे हो, तो आप लोग इसके ऊपर टेंशन ना लो। अभी तक जो Xiaomi की तरफ से ऑफिशियल लिस्ट है वो सामने नहीं आई, जैसे ही वो लिस्ट आएगी मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर कर दूंगा, तो इसके ऊपर आप लोग इतना गौर ना करें। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ अपडेट्स आ रही थी, वीडियो खत्म करते हैं। जाने से पहले आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।